Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is 11th physics, motion in a plane. देखिए motion in a plane mechanics का एक बहुत important topic है और motion in a plane में हम आज पढ़ेंगे projectile motion. Projectile motion पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा कोई भी physics पर based competitive exam नहीं हो सकता जिस पर projectile motion से question cover ना हो. इसलिए आपको मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही ये बात बता दूं कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से तैयार कीजिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके न्यूमेरिकल्स 100% इसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन ए प्लेन मतलब किसी पार्टिकल का प्लेन में मोशन, दैट इज टू डायमेंशन मोशन. ये टू डायमेंशन मोशन होता है प्लेन में मोशन, दैट मीन्स टू डायमेंशन मोशन. इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको आपके डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताता हूँ. आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, क्रिकेट तो आप सब खेलते ही हैं, खेले होंगे, खेल रहे होंगे. तो जब आप क्रिकेट के बाल को फील्डिंग करने के बाद जब आप थ्रो करते हैं, तो इस तरह से जब आप थ्रो करते हैं तो कभी आपने उसके पाथ को देखा होगा. जैसे आप हाथ से थ्रो करते हैं उसको, उसका आप देखे होंगे कि उसका पाथ इस तरह से होता है. या आप बल्ले से बाल को सिक्स मारते हैं तो आप यहाँ नीचे से उसको इस तरह से हिट करते हैं बाल को, लेकिन इस तरह से पाथ में जाके वो ड्रॉप होता है. तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल को छोड़ के, यदि हम किसी पार्टिकल को वर्टिकल अब थ्रो करें, जैसे इसको मारकर को मैंने वर्टिकल थ्रो किया तो वो क्या है, सीधा आके नीचे गिर गया. बट यदि इसको मैं इस तरह से थ्रो करूं तो आप इस ऑब्जर्व किए होंगे कि इसका पाथ इस तरह से होता है और ये जो आपको कर्व दिख रहा है, जो पाथ एक्चुअल में ये पाथ पैराबोलिक होता है. मेरे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ का मैंने एक स्पेशल सेशन लिया है, उसमें मैं पैराबोला के बारे में पढ़ाया हूँ क्योंकि वो जरूरी है समझने के लिए. ये जो पाथ है पैराबोलिक होता है. तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी बॉडी को वर्टिकल को छोड़ के किसी भी दूसरे डायरेक्शन में हम उसको थ्रो करें, फ्रॉम हाइट और फ्रॉम ग्राउंड, यदि हम ऊंचे टावर में कहीं पर ऊपर चले जाएं वहां से थ्रो करें तब भी, या ग्राउंड से थ्रो करें तब भी, दोनों कंडीशन में उसका जो पाथ होता है वो कर्व होता है जो कि पैराबोला होता है. दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ ए पार्टिकल और बॉडी थ्रो अदर देन डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल, देन इट्स ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ, इसको पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, देन इट्स ट्रेजेक्ट्री इज ऑलवेज पैराबोलिक. इफ ए बॉडी थ्रोन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज पैराबोलिक. ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन. अब हम यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को टू पार्ट में स्टडी करेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. फर्स्ट पार्ट में अपन इसका स्टडी कर रहे हैं. देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्रॉम ग्राउंड, मतलब अभी हम अपने पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल मैं आपको पहले पढ़ा दूं तो ये फ्रॉम ग्राउंड नहीं, ये होगा फ्रॉम हाइट. फ्रॉम हाइट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी टावर पर, किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर में अपन हैं और वहां से हम किसी पार्टिकल को नीचे थ्रो करते हैं. क्लियर? बाद में इसके मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताऊंगा.
देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन पहले पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि जितने भी मिसाइल बनाए जाते हैं, कलाम जी ने जितना मिसाइल बनाया, ये सब के सब मिसाइल ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि अग्नि को अपन लॉन्च करते हैं, पृथ्वी को लॉन्च करते हैं, त्रिशूल नाग आकाश को जब हम लॉन्च करते हैं, इसका पाथ प्रोजेक्टाइल होता है और इसका जो रेंज निकालते हैं, मैं पढ़ा लूँ उसके बाद आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखिए कि सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड में सपोज ये कोई टावर है, यहां से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जब हम इस डायरेक्शन में उसको थ्रो करेंगे तो एक्चुअल में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा, उसका पाथ इस तरह से होगा और आके ये ग्राउंड में ड्रॉप होगा। सपोज यहां से यहां तक जितने हाइट से हमने उसको थ्रो किया वो सपोज वाई है, और जहां पर वो ड्रॉप हुआ ओरिजिन से जितना डिस्टेंस में जाकर ड्रॉप हुआ सपोज वो एक्स है। इस तरह से वो पार्टिकल एक्चुअल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण यहां पर जी एक्ट होता है जो उस पार्टिकल को क्या करता है इस पाथ में लेके जाता है और फाइनली वो यहां आके ड्रॉप होता है। क्लियर, ये है फ्रॉम हाइट। इस तरह से हम तो यहां पर हमको फर्स्ट फार्मूला जो प्रूफ करना है, देखिए इसमें बहुत से फार्मूले डिराइव होंगे वन बाय वन आप समझते जाना। सबसे पहला हम इसमें प्रूफ करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हमको यह प्रूफ करना है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये टू डायमेंशन मोशन है, हम इसको टू पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे अपन इसके वर्टिकल को। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस है, दैट मींस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। क्लियर, हम यहां पर ए फार्मूला यूज करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर यहां ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें इस डायरेक्शन में, तो एस यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए क्या है एक्सेलरेशन है। हियर एस इक्वल टू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है जो कितना है एक्स है। हियर द वैल्यू ऑफ एस इज एक्स एंड द वैल्यू ऑफ यू इज, देखिए एक्स एक्सिस में हमने उसको थ्रो किया है, इनिशियली इसका डायरेक्शन क्या एक्स एक्सिस में है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी हमने यू ही लिया है, और जो एक्सेलरेशन है वो यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और एक्स एक्सिस में यहां पर आप थोड़ा सा केयर करेंगे एक्स एक्सिस में दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क करता है। क्लियर, ये वैल्यूज अपन यहां पर पुट कर दें तो देयरफॉर हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू यू इंटू टी प्लस वन पॉइंट टू, और ये तो पूरा हो गया जीरो, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे जीरो, क्योंकि ए का वैल्यू जी की इक्वल है दैट इज जीरो। देयरफॉर यहां से निकल जाएगा टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू रिलेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां से हम टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशन इज वर्टिकल डायरेक्शन। दो डायरेक्शन में अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टू डायमेंशन मोशन है, तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन यहीं पर यही फार्मूला लगाएंगे, हियर एस इक्वल टू वाई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन का उसका डिस्प्लेसमेंट है वाई है, एस इक्वल टू वाई हो जाएगा। यू इक्वल टू जीरो, यू जीरो क्यों हो जाएगा देखिए, क्योंकि यू क्या है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन दैट मीन्स वाई एक्सिस, यहां पर मैं लिख दूं
कि वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है यहां पर वाई एक्सिस। तो आप वाई एक्सिस में देखिए, जब इनिशियली इनिशियल पोजीशन पर हम इसको एक्स एक्सिस में थ्रो कर रहे थे, तो वाई एक्सिस में उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड ए इक्वल टू जी, चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन है तो ए जी के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां पर पुट अप कर दें तो हो जाएगा y इक्वल टू जीरो प्लस, ये जीरो हो गया, वन अपॉन टू, ए का वैल्यू g के इक्वल हो जाएगा जी टी स्क्वेयर। क्लियर? दैट इंप्लाइज y इक्वल टू वन अपॉन टू जी, और t का वैल्यू हम यहां से लाके पुट अप कर देते हैं, ये जो t का वैल्यू हम निकाले उसको पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा x अपॉन u का होल स्क्वेयर। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स स्क्वेयर है इसको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम सपोज कर लेते हैं b, ये सपोज b के इक्वल है, तब हम अपने फाइनल इक्वेशन को लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू बी एक्स स्क्वेयर। और ये y इक्वल टू बी एक्स स्क्वेयर आया, ये है विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन है। ये सब मैंने अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के फोर्थ या फिफ्थ नंबर का मैंने जो सेशन है उस पर पूरे ग्राफ को समझाया है, उसमें आपको मिलेगा। मैं लगभग अपने हर लेक्चर में आपको याद दिलाता हूँ कि आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स यदि पुअर है, अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, तो आपको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम आएगा। आप उसको मेरे उस वीडियो से कवर करिए, तभी वो होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। Therefore, we prove the path of projectile is parabolic. Suppose आपको स्कूल में क्वेश्चन आता है, आपके थ्योरी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, तो बोलेगा what is projectile motion? Define projectile motion and prove its path is parabolic. तो यहाँ आपका प्रूफ हो जाएगा। मैं बोला, पहले आपको बताया कि इसमें पार्ट पार्ट में फार्मूला डिराइव होंगे और हर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब होगा इसका? सेकंड फार्मूला इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब हम इस ट्रेजेक्ट्री को, इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को जब हम यहां से थ्रो करते हैं और जब जब ग्राउंड में आके वो ड्रॉप होता है, तो ये कितने देर तक फ्लाइंग किया, मतलब कितने देर तक वो एयर में था, वही क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। क्लियर? दैट मीन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम हियर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहां पर फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दैट इंप्लाइज वो वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है, ये फ्लाइट टाइम। क्लियर? तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू, जो कि इसके हाइट के इक्वल है। ये क्या है, इसको हम वाई को क्या कह सकते हैं, इसका हाइट भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहां पर इसको वैल्यू पुट कर दूं, हाइट इक्वल इनिशियल वेलोसिटी। देखिए वाई एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि फ्लाइंग किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो वाई एक्सिस में डायरेक्शन में फ्लाइंग कर रहा है वो। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, प्लस वन अपॉन टू एसेलरेशन जी टी स्क्वेयर। दैट इंप्लाइज यहां से टी निकालना है, यहां पर कैपिटल टी पुट कर देते हैं फ्लाइट टाइम को, ये टी, तो टी स्क्वेयर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो टू एच अपॉन जी, देयरफॉर टी इक्वल टू निकल जाएगा रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यदि हमको अपने प्रोजेक्टाइल का फ्लाइंग टाइम निकालना है कि कितने देर तक वो एयर में रहा, तो हमको उसका हाइट पता होना चाहिए कि हमने कितने हाइट से उसको थ्रो किया, और जी तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी इक्वल टू रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। देखिए इसमें कोई एग्जांपल है, सपोज एयरफोर्स का, आर्मी का कोई पर्सन है, फाइटर प्लेन वो उड़ा रहा है, और फाइटर प्लेन उड़ाते हुए सपोज उसको किसी दुश्मन के टारगेट पर बम गिराना है, बम ड्रॉप करना है। क्लियर? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, ये आपने बहुत तरह की इस तरह के एग्जांपल देखा होगा। अब पायलट को
अपना बम ड्राप करना है दुश्मन के अड्डे पर, तो पायलट क्या करेगा, पायलट अपना हाइट कैलकुलेट कर लेगा कि मेरा फ्लाइट कितने हाइट पर है। उसके बाद जब वो बम वहां से रिलीज करेगा तो वो कैलकुलेट कर लेगा कि ग्राउंड में जब वो गिरेगा तो कितने देर में ड्राप होगा, मतलब वो वाट से कैलकुलेट कर लेगा कि अब बम ड्राप हो जाएगा। इसका बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन का जितना भी एग्जाम्पल है वो सब बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। या फ्लड रिलीफ के लिए सपोज कोई हेलीकॉप्टर है, फ्लड रिलीफ के लिए कोई फ्लाइट लगा है, कहीं बाढ़ आया हुआ है, वहां पर फूड पैकेट्स ड्राप करना है, तो पायलट कैलकुलेट कर लेता है इस फार्मूले से कि मेरा फूड पैकेट कितने देर में जाके विक्टिम तक पहुंच जाएगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बड़ा सिलेबस कवर करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, सपोज उस पायलट को जानना है कि मैं जहां से बम रिलीज किया वो जाग गए कहां पर गिरेगा। सपोज पायलट को कैलकुलेट करना है कि भाई मैं इंडिया में, मेरा पोजीशन इस शहर के ऊपर है और मेरे को पाकिस्तान की इस जगह में बम रिलीज करना है, तो उसके बीच का उसको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इस शहर से इस शहर का बीच का डिस्टेंस इतना है, तो वहां से कैलकुलेट कर लेगा कि मैं बम किस टाइम में रिलीज करूं तो जाके वहां पर एग्जैक्ट गिरेगा। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। ये इसका रेंज है, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस में, इसको हम कह सकते हैं रेंज। तो आर फॉर रेंज, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी कितना है, यू है, तो वेलोसिटी यू हो जाएगा इनटू टाइम, टाइम हमने निकाला ही है, रूट ऑफ टू एच अपान जी, ये हो जाएगा रूट ऑफ टू एच अपान जी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए इस फार्मूला से उसको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस में जाके बम गिरेगा, मतलब उसको क्या क्या पता होना चाहिए, अपने फ्लाइट का वेलोसिटी पता होना चाहिए, जो कि एक पायलट को पता रहेगा कि मेरा फ्लाइट का वेलोसिटी कितना है, वो यहाँ पुट अप कर देगा उसको, और उसको अपने फ्लाइट से ये भी पता रहता है कि मेरा फ्लाइट जमीन से कितने हाइट पर उड़ रहा है। ये दोनों फार्मूला में ये वैल्यू पुट अप करेगा और वो पायलट ये बता देगा कि मैंने बम यहाँ ड्राप किया है तो कितने दूर जाके वो बम गिरेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पायलट क्या होता है, इजेक्ट कर जाता है अपने आप को फाइटर प्लेन से, फिर पैराशूट से क्या होता है, वो ड्राप होता है, तो इंडिया में इजेक्ट हुए रहता है और ड्राप होता है जाके पाकिस्तान में, ऐसा कई केस हो चुका है, कारगिल के समय सौरभ कालिया के साथ यही हुआ था, ठीक है, इस तरह से वो जाके, या अभिनंदन का केस आप सबको पता होगा कि जैसे ही पायलट क्या करता है, अपने फाइटर प्लेन से इजेक्ट करता है, बाहर जाता है, तो वो वर्टिकल अर्थ पे आके ड्राप नहीं होता, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। मतलब यहाँ फिगर में देखिए, सपोज वो वहाँ से पैराशूट से जंप कर दिया तो यहाँ ड्राप नहीं होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते यहाँ जाके ड्राप होता है। तो इससे ये पता चल जाता है इस फार्मूला से कि कहाँ होगा। या किसी विक्टिम के लिए फ्लड रिलीफ में लगा हुआ कोई, सपोज कोई पायलट यदि फूड पैकेट्स कहीं पर, कहीं बाढ़ आया है वहाँ पर गिरा रहा है, तो उसको कैलकुलेट कर लेता है कि मैं इस शहर के ऊपर उड़ रहा हूँ और गिराऊंगा तो जहाँ बाढ़ आया वहाँ पर यहाँ जाके, मतलब दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। ये सारे एग्जाम्पल मैं कॉन्सेप्ट के समय आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आप प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते, और प्रोजेक्टाइल मोशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 101% प्रोजेक्टाइल मोशन आना ही है, तो आप बिगिनिंग से इसको ध्यान में देंगे। तो फर्स्ट मैंने कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वो अभी पाथ में है, सपोज मैंने इसको थ्रो किया, अभी ये ड्राप नहीं हुआ है अर्थ में, तो एट ए टाइम, हम किसी टाइम पर जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, उस कंडीशन में प्रोजेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सपोज ये अभी यहाँ पहुँचा है और यहाँ पर हम इसका जानना चाहते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा,
क्योंकि किसी भी कर्व में जब कोई कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो किसी पोजीशन पर उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर हम इसके टू कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ये और ये। ये इसका सपोज वी एक्स कंपोनेंट है, ये वी वाई कंपोनेंट है, ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी सपोज वी है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ में सपोज यहाँ पर बीटा एंगल बना रहा है। अब इस पोजीशन पर हमको जानना है कि इसका वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा वी इक्वल रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। बट यहाँ पर देखिए ये जो वी एक्स का वैल्यू है, वी एक्स, ये जो वी एक्स वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज यू। हमने इसका एक्स एक्सिस के वेलोसिटी को क्या लिया है, यू लिया है, तो वी एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यू। और वी वाई निकालना चाहे तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकलेगा, दैट इक्वल उस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और प्लस ये हो जाएगा जी इंटू टी। इस तरह से वी एक्स और वी वाई के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो वी इक्वल टू निकल जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ये फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसके बाद हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एंड द लास्ट फार्मूला इज डायरेक्शन। डायरेक्शन उसका, दैट मीन्स जब वो इस पोजिशन में होगा तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकल जाएगा पैरेललोग्राम लॉस है, दैट मीन्स यहाँ से हम निकालेंगे टेन बीटा, टेन बीटा निकालेंगे, ये बीटा एंगल है, तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर इज वाई, ये हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स, वी वाई अपान वी एक्स, दैट इज ऑल्सो रिटर्न एज वी वाई का वैल्यू अपन पुट कर देंगे क्या, जी टी, तो हो जाएगा जी टी अपान यू। ये फार्मूला हो जाएगा उसके डायरेक्शन निकालने का। तो हमने यहाँ पर फोर फार्मूला, मतलब फाइव, टोटल फाइव टॉपिक इसमें हमने डिराइव किया। फर्स्ट, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। सेकंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट टाइम निकाला। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एंड फाइनल इज डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम हाइट। इस तरह से हम यदि किसी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करें तो ये सब कंडीशन उसमें अप्लाई होते हैं, क्लियर। नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, अभी फ्रॉम ग्राउंड, क्लियर। ये सब फार्मूला प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करिए तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है। नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर प्रोजेक्शन सेकंड। एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड मतलब जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे बॉलर ने बॉलिंग किया तो बैट्समैन के पास वो बेल बॉल यहां पहुंचता है, इस तरह से ये सपोज बैट्समैन का बैट है, अब ये बॉल को ये हिट करता है, ये ग्राउंड है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, और जैसे ये बैट्स उसको हिट करता है तो आपने देखा होगा सपोज सिक्स मार रहा है तो बॉल ऐसे जाता है, ये आपने देखा होगा। तो इस तरह से यदि हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड से हिट करें, ग्राउंड से इस तरह से मारें, तो वो जो ऊपर जो मोशन करता हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन करता है पैराबोलिक पाथ पर, वो है एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, क्लियर। तो सबसे पहले आप इसके फिगर को समझिए, इसके फिगर में कंपोनेंट्स फाइंड किए जाते हैं, इसका फिगर थोड़ा ध्यान से समझना आप, क्योंकि सब कुछ फिगर पर ही बेस्ड है।
ये सपोज हमने एक्स एक्सिस लिया, ये सपोज हमने वाई एक्सिस लिया, और यहां से इस पोजीशन से किसी पार्टिकल को इस डायरेक्शन में हमने हिट किया, तो एक्चुअल में इसका पाथ क्या होगा? ऐसा होगा, हमने हिट इस डायरेक्शन में किया था यू वेलोसिटी से, लेकिन पाथ इसका ये होगा, सपोज ये थीटा एंगल है। अब ये थीटा एंगल है तो यू के टू कंपोनेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज ये थीटा के पास वाला है तो यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा, क्लियर। और ये हो जाएगा इसका हाइट, इतने हाइट तक ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद डाउन होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज आर, दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्स, और एच इज आल्सो इक्वल टू वाई। इस तरह से ये इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही फार्मूला प्रूफ करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जैसे भी हमने प्रूफ किया था, इस कंडीशन में भी प्रूफ करेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इसका फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सिमिलर वैसे चलेगा इसका कैलकुलेशन, इसमें वही 5 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे अपन। तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस वाई एक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। यही फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर इस कंडीशन में आप देखो एस क्या है, एक्स होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए है। यू क्या होगा, यहां देखिए एक्स डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। एंड ए इक्वल टू जी, और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए क्या होता है, जीरो, बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन है। देयरफॉर ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू यू के जगह में हो जाएगा क्या, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस, ये तो पूरा जीरो हो गया। देयरफॉर यहां से टी निकाल लें तो हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, रिलेशन नंबर फर्स्ट, जैसे हम वहां पर अभी निकाले थे टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू। तो इसमें क्या आया, क्योंकि टू कंपोनेंट्स है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो यहां आ गया टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। नाउ सेकंड कंडीशन इज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन दैट मीन्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज इट्स वर्टिकल डायरेक्शन। इसी फार्मूला पर, इसी फार्मूला को फिर अप्लाई करेंगे, सिंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर अब यहां पर देखिए एस ये क्या होगा, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई है, एंड यू इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है। फिगर में आप देखिए ये u sin थीटा क्या है, y एक्सिस का वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस जी, यहां पर माइनस जी क्यों होगा, ध्यान दीजिए जब हम पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करेंगे यहां से इनिशियल हम क्या है उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो कोई भी पार्टिकल को जब अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, उस हम उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ये सभी वैल्यू हम यहां पर पुट अप कर दें अगेन इस फार्मूला में तो हो जाएगा y इक्वल टू यू, यू का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू हम यहां से ला के पुटअप कर देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, क्लियर। यह हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, और यह हो जाएगा माइनस 1/2 जी, और टी का वैल्यू भी पुट कर देंगे फिर x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्लियर यहां तक। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू, यहां से देखिए u u के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, ये u u के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा पर cos थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, x इंटू टेन थीटा माइनस यहां पर देखिए 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर। अब इसको पैराबोलिक फार्मूला दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल में ये भी एक फाइनल इक्वेशन है और ये फाइनल इक्वेशन आपको बहुत बार न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। मेरा आपको सजेशन है कि इस कंडीशन को भी आप लर्न करके रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट बॉल को हिट करने वाले जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं या स्टेयर केस वाले न्यूमेरिकल बनते हैं, मतलब इस तरह का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे या मेरे न्यूमेरिकल का वीडियो देखेंगे तब उस समय बताऊंगी इसको अलग सेशन में। जैसे एक क्रिकेटर ने क्या किया, एक बॉल को हिट किया, उसके बाद क्या है, स्टेडियम में गैलरी बनी हुई है, स्टेयर केस बने हुए हैं, तो किस नंबर के जाके स्टेयर केस को वो हिट किया, इस तरह का कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं अपने न्यूमेरिकल वाले सेशन में सब कराऊंगा, फिलहाल आप फाउंडेशन वाले सेशन में ये सब फार्मूला लर्न करके रखेंगे। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये टेन थीटा को एक कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ के, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको हम एक नया कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक्स को छोड़ दिया, यहाँ पर भी एक्स को छोड़ दिया, और ये जो मैंने रेडिंग से राउंड किया है इसको टू न्यू अपन कांस्टेंट सपोज कर लिए, तो देयर फोर इक्वेशन बिकम्स वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, विच इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला के बहुत से इक्वेशन होते हैं, उसके कई फॉर्म होते हैं, उसमें से एक फॉर्म यह भी है वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर। तो आप नीचे लिख देंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दस इट इज क्लियर दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे उसमें किया, जो जो टर्म्स वहां कैलकुलेट किए वो टर्म्स यहां भी कैलकुलेट करेंगे, बस यहां एक एक्स्ट्रा होगा वो मैक्सिमम हाइट। उसमें हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम हाइट में तो ऑलरेडी था वो। नाउ सेकंड कैलकुलेशन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर हम y एक्सिस के, क्योंकि फ्लाइट करता है y एक्सिस में, फ्लाइंग करता है, तो y एक्सिस के सारे कंडीशन अपन यहां पर लगाएंगे। तो y एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये h है y एक्सिस में, तो s के जगह क्या लिख लेंगे अपन, h इक्वल y एक्सिस में इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, u का वैल्यू पुट कर देंगे अपन u sin थीटा, t सपोज कैपिटल t, प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं, 1/2 जी टी स्क्वेयर। क्लियर, दैट इंप्लाइज, अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो t के लिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर h का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्यों बताइए, h का वैल्यू जीरो क्यों हो जाएगा, ये h जीरो होगा। ध्यान दीजिए कैसे, ये पार्टिकल y एक्सिस में यहाँ तक गया है लेकिन ये तो हाफ पोजिशन में पहुँचा है, उसको यहाँ तक ड्रॉप होना है, तो पूरा फ्लाइट टाइम होगा। जैसे यहाँ पर मैं h पुट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लाइट टाइम का हाफ हो जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आया, फाइनली इसका y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ग्राउंड से ही स्टार्ट किया था, ग्राउंड में ही आ गया, बात समझ रहे हैं आप, ग्राउंड से ही स्टार्ट किया, ग्राउंड में ही आ गया, दैट मीन्स इसका एक्स y एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो गया, फाइनली जीरो हो गया। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है आर, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस इज जीरो, बिकॉज द फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज अगेन ग्राउंड, इन इट्स इनिशियल पोजिशन इज ग्राउंड एंड इट्स फाइनल पोजिशन इज ऑल्सो ग्राउंड, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दैट इंप्लाइज ये इधर ट्रांसफर कर लो, 1/2 जी, अब हमने फ्लाइट टाइम को कैपिटल टी ले लिया है, तो स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, यहाँ से एक टी इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो एक टी यहाँ बचेगा, बाकी उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये टू यू साइन थीटा
और डिनोमिनेटर में आएगा जी, ये हो जाएगा 2u sin थीटा पॉइंट जी। टू यू साइन थीटा पॉइंट जी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज हॉरिजेंटल रेंज। अब हम यहां पर निकालेंगे हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। ये एक एक करके आप नोट करते जाएंगे, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट कैलकुलेशन इज हॉरिजेंटल रेंज। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि रेंज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मतलब एक्स एक्सिस का, ये रेंज है तो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ये कैलकुलेट किया है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर। दैट इंप्लाइज R इक्वल टू, यहां से देखिए u u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। और एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला आप ध्यान दीजिए, ये 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ये सब यदि आपको पता नहीं होगा तो आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो मैथमेटिकल टूल्स मैं यूज कर रहा हूं, सपोज आप में से किसी को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा कैसे लिख दिया, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा अगेन एंड अगेन आपको सजेशन है कि आप मेरे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के 5 वीडियोस बहुत ध्यान से देखिए, फिर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब चीज मैंने उसमें पढ़ा दिया है। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा पांच जी। इस फार्मूला से जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया कि कोई पायलट, या सपोज हम क्या किए, इसमें किस तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन का आपका पैटर्न बता रहा हूं कि सपोज हमने क्या किया है, किसी तोप को ग्राउंड में कोई आर्मी का पर्सन तोप को इस तरह से लगा के रखा है, अब वहां से उसको क्या करना है, फायर करना है, फायर करना है किसी दुश्मन के प्लेन को ऊपर में क्रैश करना है, तो वहां से क्या है वो कैलकुलेट कर लेगा कि कितना रेंज उसका होगा। या जैसे मिसाइल अपन छोड़ते हैं, सपोज हम ग्राउंड से मिसाइल छोड़ते हैं, सपोज हमने अग्नि को छोड़ा, या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अग्नि का रेंज 5000 किलोमीटर है, दिस इज रेंज। यहां पर साइंटिस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम यहां से यदि अग्नि मिसाइल को लॉन्च करें तो 5000 किलोमीटर में जाके वो हीट करेगा, तो क्या क्या उसका पता होना चाहिए, उसका इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, इसका थीटा पता होना चाहिए कि हम कितने एंगल से उसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जी पता होना चाहिए उस जगह पर कि जी का वैल्यू कितना है। तो इसको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल करने से बहुत मजा आता है, लेकिन तब मजा आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट आपका गायब है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक भी न्यूमेरिकल का आपको स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएगा। मैं अपने न्यूमेरिकल के सेशन में आपको समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस किस स्टेप का नॉलेज हमको होना जरूरी है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड फार्मूला। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और रिलेटेड फार्मूला क्लियर नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स कभी नहीं बना सकते, तो आप अभी से उसको तैयार होते जाइए। ये आपका इनिशियल स्टेज है, इस क्लास की पढ़ाई आपका इनिशियल स्टेज है, इसके बाद आप आगे कर पाएंगे, ये तो शुरुआत है। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मतलब वो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, सपोज हम इसको यहां से थ्रो किए तो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। देखिए सब फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव हो रहे हैं, दैट इंप्लाइज मैक्सिमम हाइट में ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद बॉडी क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इफ डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विल बी चेंज देन इस फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जीरो में आए बिना अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, क्लियर। और जब मैक्सिमम हाइट में जाता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है जाने का वो वाई एक्सिस होता है, इसलिए इसका यू का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो यहां पर हम पुट कर देंगे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपवर्ड जा रहा है
तो माइनस हो जाएगा 2g और हाइट क्या h, क्लियर। दैट इंप्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 2gh इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देयर फॉर h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होता है इसके मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए ये सब जो फार्मूला मैं आपको डिराइवेशन बता रहा हूँ, आप कई राइटर का बुक कंसल्ट करेंगे, आप कई राइटर का बुक को आप देखेंगे, ये आपको नियर अबाउट बहुत से राइटर लोग इसको नियर अबाउट 7-8 स्टेप में लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, फ्लाइट टाइम कैलकुलेट किया टी, ये कैलकुलेट किया, फिर इस टी को कहाँ रख दिया, सेकंड इक्वेशन आप मोशन में रख दिया, इसमें एस इक्वल टू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर में, यहाँ एस के जगह एच लिखा, और बहुत लेंदी कैलकुलेशन के बाद उसने मैक्सिमम हाइट निकाला है। लेकिन मैंने ओनली 2 स्टेप में निकाल दिया, क्यों, क्योंकि मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, फिजिक्स में क्या है, फार्मूला डेरिवेशन के बहुत सारे मेथड हैं। यदि आप प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे तो आपका 10 स्टेप का कैलकुलेशन 3-4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। सवाल यह है कि आप किसी भी फार्मूला को डिराइव करने के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। यदि आप प्रॉपर टूल यूज करेंगे आपका वर्क बहुत ईजी हो जाएगा, क्लियर। तो यहां मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया तो 2 लाइन में निकल गया। ये 3 कैलकुलेशन हो गए हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। At any instant, किसी टाइम पर उसका वेलोसिटी जो लास्ट टाइम किया था। तो यहां पर हम एक फिगर यहां बनाते हैं, यहां सपोज हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, फिगर को थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब ये मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब सपोज हमारा पार्टिकल यहां पर पहुंचा है एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, यह टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, ये क्लियर। और इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये होगा, ये वी है, इसको मैं कह दिया वी एक्स, और वाई एक्सिस के इसका कंपोनेंट ये होगा वी वाई। फिगर को थोड़ा ध्यान से समझना आप। और इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो सपोज यहां पर बीटा है। तो यहां पर भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे इस तरह से, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे तो वी एक्स होगा, और ये जो इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट है वो क्या होगा, वी वाई होगा। तो यहां पर वी वाई का वैल्यू होगा क्या, देखिए यहां पर मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। पहले तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वी इक्वल टू निकल जाएगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, बट वी एक्स इक्वल टू, ये वी एक्स है, तो वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा के पैरेलल है, तो वी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यू कॉस थीटा। एंड वी वाई इज, तो वी वाई का वैल्यू निकालेंगे अपन किससे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है, यहां से निकालता हूं मैं, जैसे नाउ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी क्या हो जाएगा, वी वाई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा, अपवर्ड जा रहे हैं, सॉरी, ये वी वाई, वी वाई का हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहां पर। तो ये वी वाई का जो वैल्यू है इस पोजीशन पर, देखिए इस पर डाउनवर्ड भी एक्सेलरेशन वाला फोर्स लगा हुआ है, क्लियर। तो ये इसके साथ में माइनस हो जाएगा, यू माइनस जी टी क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि, अच्छा यू क्या है, यहां पर वाई एक्सिस का कंपोनेंट, सॉरी यू साइन थीटा ना, यहां पर ओनली यू नहीं, यू साइन थीटा माइनस जी टी क्यों होगा, ध्यान दीजिए यहां पर ये वी वाई इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है, लेकिन जब पार्टिकल यहां पर पहुंचता है, जैसे ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन का इसका कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर वर्क करेगा ये वाला फार्मूला। यदि अलग अलग मैं आपको निकाल के बता दूं इसको, तो इसका जो फार्मूला यू का जो फार्मूला होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वहां पर आप उसको क्या करेगा, डाउनवर्ड है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, यू इनिशियल वेलोसिटी है। या यदि आपको यहां समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे लगता है, तो मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से निकाल देता हूं। ये जो फार्मूला है वी, मतलब ये वी इक्वल इनिशियल जीरो है भी वहां पर, और प्लस ये क्या है जी टी है, तो यू इक्वल टू ये जी टी होगा। देयरफॉर अपन वी वाई निकालेंगे तो यू साइन थीटा माइनस वी निकालेंगे जो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस इस वैल्यू के यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो चाहे तो आप ये वाला स्टेप को स्केप कर सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है, सीधा भी y इक्वल टू लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt। तो vx और vy दोनों का वैल्यू यहां पर मैं पुट अप कर दूं तो क्या निकल जाएगा, देखिए देयरफॉर v इक्वल टू रूट ऑफ vx का वैल्यू अपने पास ये है u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर दैट इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी साइन थीटा इंटू जी टी और प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दिया दैट इक्वल रूट ऑफ, अब देखिए यू स्क्वायर कॉस थीटा यू स्क्वायर साइन थीटा में से हम यू स्क्वायर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज वन। तो क्या हो जाएगा यहां पर यू स्क्वायर प्लस ये बचेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस उसको लिख सकते हैं अपन टू यू जी टी इंटू साइन थीटा, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसका इस फार्मूला से निकलेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी इंटू साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट कैलकुलेशन इज इट्स डायरेक्शन, मतलब उस जगह में उसका डायरेक्शन क्या होगा, जब वो किसी इंस्टेंट पर होगा तो डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, टेन बीटा और ये हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स। ये तो आप निकाल चुके हैं पहले, ये टेन बीटा इक्वल टू ये क्या है वी वाई है और ये क्या है वी एक्स, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर वी वाई और वी वाई का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसको पुटअप कर देंगे क्या, दैट इक्वल यू साइन थीटा माइनस जी टी अपान यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन बीटा का फार्मूला। तो देखिए ये पूरा फार्मूला और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टॉपिक था, इसमें दोनों को कैलकुलेट करें हम तो नियर अबाउट 10-11 फार्मूला यूज होता है, 5 फार्मूला यूज हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड से फ्रॉम हाइट से और 6 फार्मूला कवर हो रहा है किसे फ्रॉम ग्राउंड से दैट मीन्स एंगुलर प्रोजेक्शन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये फिजिक्स का ओवरऑल, आप यदि हम एग्जाम की भी बात ना करें तो ओवरऑल फिजिक्स मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्लियर। तो अब मेरा आपको मेरा सजेशन है, दो सजेशन मैं आपको लास्ट में दे के जाता हूँ। पहला ये कि हमने इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स यूज किए, तो डियर स्टूडेंट्स यदि आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम मैथमेटिक्स के कुछ कुछ फार्मूले यूज कर देते हैं वो कहाँ से आए, तो मेरा सजेशन है कि आप हमारे जो मैथमेटिकल टूल्स के 5 सेशन के वीडियो हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए, अदरवाइज पूरा सेशन आपको प्रॉब्लम आने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये पूरे फार्मूला लर्न करने के बाद आप अपने टेस्ट बुक से, आप अपने रेफरेंस बुक से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, बाकी मैं आपको अपने न्यूमेरिकल्स वाले सेशन में कराऊंगा लेकिन इसकी तैयारी के बाद, ओके।